brought to you by Techno Camon 30 series. छिंदवाड़ा के बोदल कछार गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार के 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाला भी इसी परिवार का सदस्य है। आरोपी ने अपने माता पिता, पत्नी और भाई सहित कुल 8 लोगों की हत्या कर दी। दरअसल मंगलवार देर रात आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की माने तो आरोपी दिमागी रूप से बीमार था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से 145 किलोमीटर दूर, थाना माहौलजीर से 50 किलोमीटर दूर एक थाना गांव है बोदल कछार। यहां एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति दिनेश उर्फ बूरा, इसके द्वारा अपने परिवार के 8 जो सदस्यों की हत्या की गई है। पुलिस पार्टियां पहले ही दबिश में थी, कल रात को एक अभियान में थी, तो तुरंत सूचना डायल 100 की जो 3 बजे मिली तो तत्काल पुलिस की टीमें रवाना हुई और क्षेत्र में घेराबंदी शुरू की, जिस क्रम में 5 थाना प्रभारी, SDOP और मैं भी यहाँ घटनास्थल आ गया था। FSL टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल आ रहे हैं और हम इसमें विधिवत अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कारण समझ में आ रहा है सर घटना का? जो ग्रामीणों से बात हुई है और परिजनों से बात हुई तो ये बात प्रकाश में आई है कि ये जो दिनेश है मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसका 1.5 साल पहले भी इसी तरह का एपिसोड इसने किया था। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। इस दर्दनाक घटना को लेकर पूर्व CM कमलनाथ ने भी शोक व्यक्त किया और जांच की मांग की है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।